अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज हम फिर अपने गोट फार्म पे आए हैं और एक बुरी खबर ये थी कि हमारी जो बकरी थी जो बच्चा देने वाली थी उसका बच्चा पैदाइश के वक्त ही मर गया ना। बड़ा अफसोस हुआ। तो ये कि बकरी हमारी बच गई, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में थी, अभी वो उसको देखने में आया हूँ, आपको भी वीवर दिखाता हूँ। देखें तुम्बे की माशाल्लाह, ये मेरी बकरी और तुम्बे के साथ इन्हें एक साथ बच्चा। माशाल्लाह चेक करें बकरियां। हाँ भाई, हाँ ये बलाज इनको बुला रहा है बकरियों को और इसकी आवाज पे आ जाती है। ये पीछे आएगी। अभी हमारी वाली बकरी आएगी, उसकी पोजीशन देखते हैं। ये तो ये बकरी, इसका बच्चा हुआ और फिर वो मर गई ना, मर गया। बहरहाल अल्लाह खैर करे, ये है टापरी बकरी, बच्चा हुआ और फिर वो मर गया। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? ये आ गए पीछे पीछे बकरी। ये बकरा है, अभी यहाँ पे बारिश हुई है, उसके बाद घास निकलना शुरू हो गई है दोबारा से। माशाल्लाह, बस ऐसे मामलात में होता है। अबे क्यों पीछे पीछे, ये देखो माशाल्लाह पीछे पीछे आ रहा है ये माल। आप बकरियां चेक करें माशाल्लाह से, ये सब तैयार हो रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं अभी। ये देखिए कैसे देख रही है, ये दो बकरियां बैठी हुई इसमें की, एक ये वाली बकरी भी मेरी है क्योंकि यहीं पल रही है, खा पी रही है। यहाँ टाइम गुजारने से बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी जगह है बहुत, और बड़ा रिलैक्स फील होता है इंसान को, और किसी जगह पे जाके अच्छा लगता है कि रूटीन लाइफ से हट के ज़रा जाए, आगे पीछे हरियाली हो, बाग हो, और अच्छा लगता है। पर अभी हम दूसरी साइड पे आए जहाँ पे बाग लगा हुआ है, फार्म हाउस बना हुआ है एक अच्छा खूबसूरत सा। ये देखिए रास्ता जा रहा है, अभी हम यहाँ सामने केले का बाग बना हुआ है वहाँ पर आए और केले का बाग देखते। और ये देखिए सामने केले का बाग है और ये इमली लगी हुई है, इमली का पेड़ है। कौवे शायद शोर कर रहे हैं हमारे आने से, लेकिन खुश नहीं है। ये देखें पूरा केले का बाग लगा हुआ है और ये देखें पूरा
केले का बाग है। और जब भी मैं आता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे आगे पीछे चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये कि अभी तो आपको बताया कि मौसम चेंज हुआ है था, अब मौसम आ रहा है तो इस पे भी यकीनन फल आएंगे। तब ये अमरूद का पेड़ है सामने, ये सीन देख कितना अच्छा लग रहा है आदमी को। मैं यहाँ घूम रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसी जगहों पे आके जो है दिल बड़ा सुकून में आ जाता है। तो मैं बोला आप लोग को भी दिखाऊं। और देखो पूरा पीछे देखिए ना, जबरदस्त सीन है। देखिए ये देखिए पीछे, ये देखिए नारियल के पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, अच्छे खासे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, नारियल के पेड़ लगे हुए बहुत सारे। देखिए देख रहे हैं आप माशाल्लाह से खूबसूरती। व्यूअर बस मैंने यहाँ पे एक से डेढ़ घंटा गुजारा बलाज के साथ। और सर बलाज बहुत शुक्रिया, अभी हम को इजाज़त दो, ठीक है, और अल्लाह खैर करेगा फिर इंशाल्लाह। अब कब जब आना होगा फिर मैं मिलूँगा इंशाल्लाह। और तुमने जानवरों का हमारे भाई बड़ा ख्याल रखते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। व्यूअर ये फिर मैं अपने घर आ गया था गोट फार्म से। तो यहाँ पे जो हमारा दुम्बा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह से उसको खूब खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसके मज़े करवा रहे हैं ना। ये देखें, ये सेब खा रहे हैं जनाब। हाँ भाई ये देखें खूब खा रहे हैं ये सेब, मज़े ले लेके। ये हमारे महाराजा और महारानी टहलें, और झुंडों पे मुर्गी बिठाई है ना, अभी उसकी तरफ चलते हैं, क्या पोजीशन है। अभी ये 4 तारीख को हमने इनके अंडे रखे थे और मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन रह गए इनके बच्चे निकलने में। देखते हैं अब कितने बच्चे निकलते हैं, दुआ कीजिएगा सारे बच्चे निकलें, कोशिश तो ये दुआ भी यही है, बाकी जो अल्लाह की मर्जी। माशाल्लाह ये अंडे लेके बैठी हुई हैं। अभी इसका नाम हम लोगों ने रखा है शेरू, आप बताइएगा कमेंट करके ये नाम कैसा है। अभी खा लें, दिखाते हैं। माशाल्लाह अभी हमने जब से लिया है इसको खूब अच्छी तरह खिला रहे हैं, पिला रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें इसकी सेहत वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है। हाँ भाई शेरू आओ, ये देखें अब ये सेब लाइन के लिए काट के डाले और खा रहे हैं। हाँ शेरू ये देखिए माशाल्लाह से, बताइएगा कमेंट में कि हमारा आपको शेरू कैसा लगा। इसको मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, वहाँ गोट फार्म पे नहीं छोड़ा। अभी जगह थोड़ी बेहतर करूँगा तो फिर इंशाल्लाह बकरियाँ भी इधर शिफ्ट करूँगा। अब इनको भी हमने सेब डाला, ये भी मज़े ले के खा रहे हैं। देखते हैं इसने आज अंडा दिया है या नहीं दिया। ये यहाँ पे अंडा दे, हाँ माशाल्लाह ये देखिए ये 2 अंडे दिए हैं। फिर वही हमने सीढ़ी भी चेंज कर ली है, ऊपर चढ़ने उतरने में हमें परेशानी होती थी तो हम ये सीढ़ी ले आए। पहले ये सीढ़ी थी ज़्यादा पुरानी हो गई थी तो मैं ऊपर चढ़ा उतरा, मैंने बोला भाई ऐसा ना हो प्रॉब्लम करे मुझे, तो मैंने चेंज करके नई सीढ़ी ले आया। इंशाल्लाह संडे का प्रोग्राम है तो ऊपर कबूतर शिफ्ट करेंगे। अभी ऊपर चढ़ने उतरने में कोई परेशानी नहीं है, बड़े आराम से मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। ये देखें पहले उस पर मुझसे चढ़ा ही नहीं जा रहा था, मैंने बोला भाई ये तो गड़बड़ है चेंज करो, फिर मैंने खड़ी कर दी। ये देखें छत की थोड़ी सफाई करेंगे
और ये इंशाल्लाह कबूतर इसमें शिफ्ट करेंगे। शेरू, हाँ भाई शेरू कैसा है? हैं देखें आप माशाल्लाह से कैसा सही हो गया, ज़बरदस्त खा पी के ज़बरदस्त। उस वीवर इसका नाम शेरू रखा है, कमेंट में बताइएगा कि नाम सही है या नहीं है। ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। इंशाल्लाह संडे को इंशाल्लाह मैं शिफ्टिंग करूँगा चीज़ें, फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।